हेलो एंड वेलकम टू विद्यार्थी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कवर करने वाले हैं अक्टूबर की साइंस एंड टेक पोर्शन को 2023, और ये थोड़ा छोटा सा रहेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, और इसमें कम आर्टिकल्स आए हैं। एक्चुअली ये मंथ बेसिकली पूरी तरह से डिग्निफाइड था नोबल प्राइजेस के लिए, तो उसी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं। और ये जो लेक्चर होगा ये कंपेयर टू प्रीवियस वंस थोड़ा सा छोटा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोबेल प्राइज़ जो फिज़िक्स में मिला है वो मिला है और 8 सेकेंड्स के लिए। 8 सेकेंड्स क्या हैं? एटम की जो मोबिलिटी है, एटम का जो मूवमेंट है, वो किस स्पीड में डिफाइन होगा, ये है 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स ड्राइव फ्रॉम एटम, ए एटो। ये तीन लोगों को मिला है, पेरी एगोस्टेनी, फेरनेक क्रोज और हुलियर, एनी एल हुलियर। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, पहले ये समझ लेते हैं कि सेकंड के कितने पैमाने हैं। पहला है सेकंड, फिर उसके बाद मिली सेकंड, फिर उसके बाद नैनो सेकंड, फिर पीको सेकंड, फिर फेमटो सेकंड, जिसके बारे में यहाँ पे बात होगी। फिर उसके बाद ये जो आज डिस्कवरी हुई है, इसे कहते हैं एटो सेकेंड्स, जो कि 10^-18 स्पीड से काम करता है। इस वजह से इसे डिस्कवर करना एक बड़ी बात है। तो क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की जो डायनेमिक्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक होता है, जो हम स्पेसिफिकली देख नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से। और हम जो आखिरी वैल्यू तक पहुँचे थे, जो काफ़ी क्लोज थी उसके, उसका नाम है फेमटो सेकेंड्स। जस्ट अ सेकेंड, फेमटो सेकेंड्स ये होते हैं 10^-15 सेकेंड, यानी कि 0.00, यानी 15.01 सेकेंड्स इनकी स्पीड होती है। और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इससे भी ज़्यादा तेज़ है, जिसे हमने अब जाके देखा है, जिसे हम कहते हैं 8 सेकेंड। स्पेसिफिकली इसमें यही है, और ये किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया है ये हम एक बार देख लेते हैं। इन्होंने जो लाइट रेस सरपास की हैं इस एक्सपेरिमेंट में, पहले वो जब आ रही थी तो हम उन्हें कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, वो इतनी तेज़ी से निकल रही थी कि उन्हें कैप्चर नहीं किया जा पा रहा था। तो जब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके थ्रू जब लाइट रेज निकाली गई बीम, तो एक वेवलेंथ जब रिकॉर्ड हो पाई, एक वेवलेंथ कब होती है, जब एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रॉफ होता है, यानी कि एक डाउनफॉल और एक अपसाइड, उस टाइम पे एक वेवलेंथ कवर की जाती है। जब क्लियर एक वेवलेंथ देख ली, तब हमने गिना कि ये एक एटो सेकेंड्स है, तब जाके ये एटो सेकेंड्स के बारे में पता चला। एटो सेकेंड्स बेसिकली आपको एक ये पता करना है कि एक टाइम की और वैल्यू सब एटोमेट पार्टिकल पे उनकी स्पीड के बारे में पता चल गया है, इसे एटो सेकेंड्स कह रहे हैं। एटो सेकेंड्स का क्या एप्लीकेशन है ये एक बार देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन हम देख सकते हैं ब्लड के मॉलिक्यूल में जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे स्किन टिश्यूज़ लाखों करोड़ों की संख्या में हम रिलीज़ कर देते हैं, टेक ऑफ कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। वो चीज़ के बारे में, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ के बारे में पता लगाने में एटो सेकेंड्स की डिस्कवरी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये एक फ़ायदा है इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये फ़ायदा कर सकती है, अल्ट्रा फास्ट चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ हमें अब फास्ट चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रोल पे जब हमने इतनी माइन्यूट स्पीड लेवल पे भी कंट्रोल देख लिया है, तो हम इन चीज़ों को प्रिसीजन के साथ कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये इसके एप्लीकेशंस हैं। तो आपको 8 सेकेंड से बस ये याद रखना है कि ये फिज़िक्स में दिया गया नोबेल प्राइज़ है, और ये एक सेकेंड की और वैल्यू आ गई है, जो सेकेंड के फर्दर नीचे छोटी से छोटी वैल्यू है, वो चीज़ बस इंपॉर्टेंट है याद रखने लायक, और इसमें इतना कुछ खास नहीं है। और जो इसके फर्दर एप्लीकेशंस हैं वो आपने देख लिए, कि क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग को खोल के रखोगे तो आप वेरियस फेसेट्स में इनके एप्लीकेशंस ढूंढ पाओगे कि कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ये 8 सेकेंड्स थे, यानी कि नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स, अब है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। ये है क्वांटम डॉट्स के लिए। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? क्वांटम डॉट्स नैनोमीटर पार्टिकल्स पे छोटे छोटे चीज़ों में ब्रेक कर लिया जाता है एक मैटर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने देखा होगा, अगर सोना है, सोने की डस्ट को नैनोमीटर लेवल पे ले जाया जाए, वो गोल्डन की जगह रेड हो जाती है। यानी इतने माइन्यूट लेवल पे हम ले जा रहे हैं, 10^-9 पे, कि
पूरी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है, अगर हम उन्हें नैनोमीटर के साइज़ में ले जाएं तो वो एक छोटी सी हॉट व्हील्स की कार में बन सकती है। इतनी माइन्यूट लेवल पे बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। इस वजह से इन क्वांटम डॉट्स का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज कि ये क्वांटम डॉट्स जो हैं, ये इनके एप्लीकेशंस काफ़ी जगह में फैल जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिडक्शन इन साइज़। ये इस वजह से इसमें केमिस्ट्री में दिया गया है नोबेल प्राइज़। क्वांटम कन्फाइनमेंट कहते हैं इसे, जब इसकी जो बिहेवियर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, अलग टाइप के बिहेवियर्स दिखाना शुरू कर देते हैं इतने टाइनी लेवल पे। इस वजह से इन्हें क्वांटम डॉट्स कहा गया है, या क्वांटम सिग्निफिकेंस है इनका, वेरियस जगह पे सिग्निफिकेंस है। केमिस्ट्री यानी कि जैसे टारगेट ड्रग डिलीवरी, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई अगर कैंसर से पीड़ित है और उसकी कीमोथेरेपी होती है, तो उसकी पूरी बॉडी आपको पहचान में नहीं आएगी। आप जब उससे पहली बार मिलोगे, हेयर्स जा चुके होंगे, वो खुद इतना वीक हो गया होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी हस्तक्षेप यानी कोई भी डिफरेंशिएशन के, जो कीमोथेरेपी होती है उसमें पूरी तरह से सारे जो एंटीजेंस होते हैं वो सारे मार दिए जाते हैं विद आपकी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ के साथ भी, बिकॉज जो हेल्दी हैं, जो रिक्वायर्ड है वो भी, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, इसमें ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। बट विद दैट स्मॉल टाइनी लेवल ऑफ प्रिसीजन, जैसा क्वांटम डॉट्स में है या क्वांटम टेक्नोलॉजी में है, उसके साथ हम टारगेट ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं टू स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे हम करना चाहते हैं। ऐसे ही ये सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स में इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नैनो यूरिया आपने देखा है, नैनो यूरिया में हमें सिर्फ एक बॉटल की ज़रूरत है टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ फील्ड फैलाने के लिए, उसे सिर्फ वाटर में आप घोल लीजिए। बट इससे पहले जब हम वो यूरिया लेते थे, अगर किसी के यहाँ पे फार्मिंग होती है वो वाइट कलर की, तो वो ह्यूज अमाउंट्स में बोरी की बोरी लेनी पड़ती हैं, तब जाके लोग कर पाते हैं, उसमें एक बॉटल में उस बोरी का काम हो जाता है। ये है नैनो यूरिया और ये है नैनो यूरिया का सिग्निफिकेंस। तो आप मुझे ये बताएंगे कि नैनो यूरिया बनाया किस ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडियन है, और वर्ल्ड में पहली बार बनाया है। तो ये एप्लीकेशंस आप यहाँ से देख सकते हो, फोटोवोल्टिक सेल्स में, सोलार कंसनट्रेटर्स में, इल्यूमिनेशन में, जैसे आपने देखा होगा QLED TVs आ गई हैं फॉर क्लैरिटी, डिस्प्ले कैमराज में, मशीन विजन में, बायोएबल्स में, ड्रग डिलीवरी जैसा हमने देखा। तो एप्लीकेशंस तो आप अपना माइंड बस खोल के रखिए, ऑप्शंस में आएगा कैन दिस कैन दिस कैन दिस। जस्ट कुछ ऐसा ना हो कि क्वांटम डॉट्स क्या रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म कर सकते हैं, बस ऐसी चीज़ों पे आपको बस ध्यान रखना है। अदरवाइज जिनमें कैन होगा तो मोस्टली आप सही टेक केयर के आएंगे, अगर आप अपना दिमाग थोड़ा सा ब्रॉड खोल के रखेंगे। ये है क्वांटम डॉट्स के बारे में। नोबेल प्राइज़ जो फिजियोलॉजी में मिला है और मेडिसिन में मिला है वो है mRNA वैक्सीन, इसको mRNA वैक्सीन्स। mRNA वैक्सीन्स का क्या फ़ायदा है कि फॉर एग्जांपल ऐसे ये कोविड का वायरस है, और ये वायरस बनाता है ये स्पाइक प्रोटीन्स जो जाके अटैच हो जाते हैं उन सेल्स में और बॉडी के अंदर घुल मिल जाते हैं। अब हम इस पूरे वायरस को बस्ट करने के बाद, इसकी सेल मेम्ब्रेन में जाने के बाद, हम देखें जाके और हम ये mRNA एक्सट्रैक्ट कर लें जो स्पाइक प्रोटीन के लिए ही वर्क करता है बनाने के लिए, और इसे हम अपनी बॉडी में थ्रू इन विट्रो हम डालें और हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स जनरेट हो जाएं जो इसी तरीके का स्पाइक प्रोटीन बनाते हों जैसे ये बना रहा है, तो हमारे जो बी सेल्स हैं यानी जो हमारी इम्यूनिटी बचाने वाले सेल्स हैं वो एक्चुअली में इन्हें फॉरेन पार्टिकल समझ के इम्यूनिटी स्टार्ट कर देंगे, इम्यूनिटी जनरेट करना, और हमारी बॉडी में अपने आप ही विदाउट पूरी तरह से वायरस डाले ही हमारे अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी टू काउंटर COVID-19 वायरस, फॉर एग्जाम्पल COVID-19 वायरस जो हम अभी लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें वायरस हुआ भी नहीं है, हमें COVID-19 फ्लू हुआ भी नहीं है, पर हमारे बॉडी ने उसी तरीके से रिएक्ट कर दिया जैसे वो एक कोरोना वायरस के अंदर आने पर करती। तो अब जब असली में कोरोना वायरस आएगा तो वी आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि
क्योंकि हमारी बॉडी में पहले ही से वो इम्यूनिटी बन चुकी है। तो इस चीज़ का सिग्निफिकेंस था mRNA वैक्सीन का, क्योंकि अगर हम लाइव अटेन्यूएटेड यानी कि अगर लाइव वायरस डालते तो कई लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, तो उन्हें इशू आ सकते हैं। इसी वजह से इसमें ना हमें वायरस डालना पड़ा ना कुछ, हमें सिर्फ वो चीज़ डालनी पड़ी जो उस स्पाइक प्रोटीन को बनाने के लिए सिग्निफिकेंट है, और हमने इसे बॉडी में डाला तो हमारी बॉडी में वो स्पाइक प्रोटीन वाले सेल्स पैदा हो गए, और जिन्हें देख के हमारी बी सेल्स ने उन्हें ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया विद इम्यूनिटी जनरेशन, इम्यूनोजेनेसिस। तो ये एक फ़ायदा है इसका, और इस मतलब साइड इफ़ेक्ट इसके भी हैं, बट पूरी तरह से ये ऐसा नहीं है, कोई भी आज तक वैक्सीन ऐसी नहीं है जो परफेक्ट हो, बट इसके ये फ़ायदे हैं कि इसमें चांसेस कम हैं नेगेटिव इम्पैक्ट होने के। बट जो इसमें मेडिसिन में मिला है नोबेल प्राइज़, वो इसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मिला है कि जो वेरियस इश्यूज़ आ रहे थे जैसे इंस्टेबिलिटी, क्योंकि कई बार इन्हें बनाने पर वो बॉडी एक्सेप्टेंस नहीं कर रही थी और इन्हें फॉरेन पार्टिकल समझ के ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रहा था बॉडी के अंदर, तो वो चीज़ों को टैकल किया है साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है कैटलिन कैराइको एंड ड्रू वीजमैन। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था बहुत डिटेल में, डीएनए प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, और ये जो AUGC है ATGC है वो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें जो इंस्टेबिलिटी जो इश्यूज़ आ रहे थे वो थी इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जो हम इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA को डाल रहे थे तो वो फॉरेन सब्सटेंस की तरह रिकॉग्नाइज हो रहा था, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग हो रही थी, तो वो एक इशू था। इनएफिशिएंट प्रोटीन प्रोडक्शन, अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था प्रोटीन का, ये एक इशू था। तो अब जब जाके उन लोगों ने काफ़ी सारे टेस्ट किए और अलग अलग तरीके के वेरियंट्स यानी mRNA को टेस्ट किया, तब जाके ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम हुआ। ये है अचीवमेंट इस वजह से इन लोगों को, और तब जाके हमारी mRNA वैक्सीन बनना तैयार हुई, इस वजह से इन लोगों को अब जाके नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर क्रिएटिंग अ ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट वैक्सीन जो कंप्लीट है अपने आप में, जिसमें नेगेटिव इफेक्ट्स कम से कम हैं। फॉर दिस दे गॉट नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। नेक्स्ट है नेट न्यूट्रलिटी। ये एक्चुअली में एक इशू ये हो रहा है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फॉर एग्जांपल जियो एयरटेल, ये लोग इशू जता रहे हैं इस चीज़ पर कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज के, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कम्युनिकेशन सर्विस, ये रियल टाइम सर्विस देते हैं जैसे हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम वगैरह, ये लाइव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, लाइव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और OTT एप्लीकेशन सर्विसेज जो हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह, ये हमें कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। इशू ये है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ये कह रहे हैं कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लगाते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करने के बाद एक OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, जस्ट बिकॉज नेट है, उस वजह से वो हमारे जो बेसिक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमारे काम हैं जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें पैसा मिल रहा है, वो प्रोवाइड करा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉल सर्विसेज व्हाट्सएप से मिल जाती हैं, वो एक इशू था। तो ये एक इशू जता रहे हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। जस्ट अ सेकेंड, तो ये एक इशू था इसमें। तो नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट क्या है कि सबको ओपन, इक्वल और बिना डिवाइस के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सर्विसेज मिलनी चाहिए कंटेंट कंजप्शन के लिए। तो ये एक चीज़ थी। तो ये ट्राई के पास यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके पास ये केस गया है। तो अब जाके जब डिसीजन आएगा तो पता चलेगा कि कैसा क्या होने वाला है। तो OTT दो टाइप के होते हैं, आपको यह वो समझ में आ गया, और नेट न्यूट्रलिटी समझ में आ गई। बेसिक प्रिंसिपल्स ये हैं, इक्वल एक्सेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पेड प्रायोरिटाइजेशन नहीं होना चाहिए, और नो थ्रॉटिंग ऑफ स्पीच होनी चाहिए, नो ब्लॉकिंग। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है AK भार्गव कमेटी, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनलॉकिंग इंडिया स्पेस टेक पोटेंशियल।
ये एक्चुअली में एक रिपोर्ट आई गई है इस्पा के द्वारा, इसका नाम है एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया इंडियन डाउन स्ट्रीम स्पेस टेक। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और ऑक्सिलरी सेगमेंट क्या है ये एक बार जान लेते हैं। अपस्ट्रीम एक्चुअली क्या है कि डेवलपमेंट टेस्टिंग, जो भी स्पेस क्राफ्ट वगैरह बनाए जाते हैं जिनको यूज़ करने वाले हैं शटल फ्लाइट्स वगैरह के लिए, वो है अपस्ट्रीम सेगमेंट। और उसकी मॉनिटरिंग, उसका एप्लीकेशन, उसे किस किस जगह पे यूज़ करने वाले हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और क्या इम्पैक्ट होने वाला है एप्लीकेशन, वो है डाउन स्ट्रीम स्पेसिफिकली। और ऑक्सिलरी में क्या है कि उसमें एडिशनल क्या होने वाला है, जैसे हम स्पेस के रिलेटेड एक्स्ट्रा एजुकेशन देने वाले हैं, ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो ऑक्सिलरी सर्विसेज में आती हैं। इस्पा यानी इंडियन स्पेस के बारे में, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में और इसके साथ जो इसकी वेरियस साथ में कंपनीज हैं, PSUs हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। इंडियन स्पेस लिमिटेड, तीनों इनके बारे में मैंने बताया, तो एक बार आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, बहुत डिटेल में समझाया कि किसका क्या काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्पा का, इंडियन स्पेस एसोसिएशन का काम है प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री को इंडिया में डेवलप करना, और बाकी अंतरिक्ष और इन स्पेस और ISL का क्या काम है वो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर में, और वो बहुत डिटेल में समझाया था, उसमें अराउंड अभी यहाँ पे ही 5-7 मिनट लग जाएंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार देख लीजिए, लास्ट नवंबर वाले ही मैगजीन में मैंने कवर कराया है जो फर्स्ट पार्ट है उसमें, ये चीज़ें आप रीड कर सकते हो। इनमें बेसिक सैटेलाइट है, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस हैं कि अभी हम सिर्फ 2% ग्लोबल मार्केट का शेयर होल्ड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वर्कफोर्स नहीं है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हैं, रॉ मटेरियल के डिसरप्शंस हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का इशू है। ये एक और आर्टिकल है एस्ट्रॉइड बेनू पे, एस्ट्रॉइड बेनू, ये हर 6 साल में अर्थ के बहुत पास से निकलता है, और इसके एक नासा ने इसके लिए मिशन भेजा था जो वहाँ से रॉक सैंपल्स कलेक्ट करके आने वाला था 2016 में, उसका नाम है मिशन का ओसायरस रेक्स, जिसका पूरा नाम है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगुलिथ एक्सप्लोरर। तो बेनू जो एस्ट्रॉइड है वहाँ से ये कलेक्ट करके लाए हैं रॉक सैंपल्स, फर्स्ट US मिशन है जो रॉक सैंपल डिलीवर कर रहा है अर्थ में। एस्ट्रॉइड्स क्या हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लैनेट्स के मुकाबले काफ़ी स्मॉल होते हैं और ऑर्बिट करते रहते हैं सन को, उन्हें कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। और एस्ट्रॉइड 3 बेसिस में डिवाइडेड है, क्लासेस में। मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, काफ़ी बड़ा साइज होता है इनका। दूसरे होते हैं ट्रोजन्स, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये ट्रोजन्स जो होते हैं ट्रोजन स्वार्म्स के बारे में बताया था, ये सन को ऑर्बिट करते हैं विद जुपिटर की ऑर्बिट के साथ, जुपिटर मार्स और नेपच्यून के ऑर्बिट के साथ। तीसरे होते हैं नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स, इन्हें कहते हैं अर्थ क्रॉसर्स, ये अर्थ के बहुत पास से निकलते हैं। वेरियस मिशन गए हैं जो अभी तक सैंपल जिनने गैदर किया है वो देख लेते हैं। नासा का अपोलो 1 गया था जिसने स्पेस सैंपल मून से ला के दिए थे, फिर नासा का जेनेसिस स्पेस क्राफ्ट गया था जिसने सैंपल्स दिए थे सोलार विंड के, फिर नासा का स्टारडस्ट मिशन गया था 2006 में जिसने कलेक्ट किए थे सैंपल्स और अर्थ पर डिलीवर किए थे, ये फर्स्ट टू डिलीवर सैंपल्स था। फिर जापान का गया था हायाबूसा 2 मिशन, और फिर कुछ जो एक्सप्लोरेशन फॉर एस्ट्रॉइड्स के लिए गए हैं वो है नासा का गैलीलियो मिशन एस्ट्रॉइड जेस्पारा पे, एंड जैपनीज एयरक्राफ्ट हायाबूसा ने कलेक्ट किया थे एस्ट्रॉइड आई टू कावा, और नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट ने एक्सप्लोर किया था एस्ट्रॉइड वेस्ता को। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मुश्किल से 10 मिनट की होने वाली है, तो उसमें आपकी ये कवर हो जाएगी, तो फिर हम कंसिडर करेंगे सितंबर की मैगजीन को। तो आई होप कि ये बेनिफिशियल रही होगी, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें आपको PDF की ज़रूरत है, अगर है भी तो फिर मैं डाल दूंगा उसमें टेलीग्राम चैनल पर, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड आई होप कि ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद।